हाय फ्रेंड्स, सही टीवी पर आपको वेलकम कहता हूँ। आज मैं एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ। बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा इंफॉर्मेटिव सा और बड़ा यूनिक किस्म का टॉपिक है फ्रेंड्स। आज मैं आपको ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी, जिसका सीपीयू, मदरबोर्ड सब कुछ फिक्स होता है, इसमें आपको इंस्टॉलेशन करने का तरीका बताऊँगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे से डेल और एचपी के कंप्यूटर में तो विंडो करना हमें आ गई है, इंस्टॉलेशन आ गई, मगर इंटेल के या स्टोन के या इलोनेक्स के या इस MSI के चिपसेट के जो भी सिस्टम है ना, उसमें हमें विंडो इंस्टॉल करना नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं इसीलिए लेकर आया हूँ आपके लिए। इसमें दो चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। एक तो हम इंटेल के मदरबोर्ड में विंडो इंस्टॉल करना सीखेंगे, दूसरा हमारा ऑल इन वन का पीसी रिव्यू करें आप। ये देखें, इसका पावर बटन है, ये USB पोर्ट्स हैं, ये इसकी LED है और ये इसके बैक पे ही इसका बोर्ड लगा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पावर का बटन है, पावर के बटन से मैंने इसको ऑन किया। और आप देख सकते हैं कि इंटेल का लोगो आ गया, इट मीन्स कि इसमें इंटेल का मदरबोर्ड लगा हुआ है। ये F2 प्रेस करना है आपने सबसे पहले, इसके आप बायो सेटअप में एंटर हो जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं सेटअप में एंटर हो गया हूँ। F2 से आपने इंटेल का कोई भी मदरबोर्ड है, आपने उसको F2 से उसके सेटअप में चले जाना है फ्रेंड्स। और सबसे पहले आपने इंटेल के मदरबोर्ड में विंडो इंस्टॉलेशन करने से पहले 3 से 4 सेटिंग को देखना है। वो दुनिया का कोई भी मदरबोर्ड हो, इंटेल का हो, इंटेल चिपसेट हो, उसके बाद MSI का हो, उसके बाद स्टोन का हो, RM का हो, उसमें ये सेम आपको सेटिंग करनी है, उसके बाद आपकी विंडो इंस्टॉलेशन होगी। बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट करके किया है कि कहा है कि इंटेल के मदरबोर्ड में विंडो करना सिखाएं। तो दोस्तों, आज मैं चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने अपने सेटअप में जाकर, कॉन्फ़िगरेशन में जाकर, सबसे पहले स्टार्टर ड्राइव में जाना है और आपने देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 2 TB हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है। सबसे पहले आप अपने आपके सेटअप में जाके आपने अपनी हार्ड ड्राइव को देखना है कि वो कनेक्टेड है, डिटेक्ट कर रही है, शो कर रही है, सेटिंग नंबर 1। सेटिंग नंबर 2, आपने ये चिपसेट साटा मोड को आपने देखना है। AHCI पर जाना है, इसमें 2-3 ऑप्शन आती हैं दोस्तों। अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो AHCI पर रखें, और अगर आप विंडो 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो IDE पर रखें। ज़्यादा ये 2 मोड ही हम यूज़ करते हैं, तो मैं IDE पर कर दूँगा क्योंकि मैंने इसमें विंडो 7 इंस्टॉल करनी है। साथ ही साथ मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको दिखाता चलूँ। इसमें Core i3 फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है और इसमें 2 GB रैम, इसमें 2 GB रैम अभी इंस्टॉल्ड है। तो फ्रेंड्स, ये सेटिंग नंबर 1 आपने देख ली, इसमें हार्ड ड्राइव डिटेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट सेटिंग में आप बूट में जाएंगे फ्रेंड्स। बूट में जाके सबसे पहले आपने हार्ड ड्राइव में जाना है, और इधर से मैंने देखें सैंड डिस्क, मैंने फ्लैश ड्राइव लगाई हुई है, मैंने सैंड डिस्क ऊपर कर दिया है। ओपन करने का तरीका ये, दोस्तों आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे, जैसे मैं प्लस का बटन प्रेस कर रहा हूँ ये 2 TB ऊपर चलेगी। सैंड डिस्क पर लाकर मैं प्लस का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ तो ये आप देखें कि सैंड डिस्क ऊपर चलेगी। तो उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करना है। सेटिंग नंबर 3, सबसे पहले मैंने देखना है हमारे बूट टू रिमूवेबल ड्राइव इनेबल होना चाहिए फ्रेंड्स, आपका USB बूट टू इनेबल होना चाहिए। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है बूट USB फर्स्ट भी होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये तीनों सेटिंग हमारी ओके हैं। अब फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप ये जो स्टेप मैंने बताए हैं आपको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो आपकी विंडो इंस्टॉल भी होगी और इंटेल के किसी भी मदरबोर्ड में चैलेंज से कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर ये 4 सेटिंग आपने ठीक करना और सेटिंग करना सीख लिया। दोस्तों, F10 प्रेस करके मैं इसको बाहर आने लगा हूँ। ये सिस्टम रीबूट होने लगा है। फ्रेंड्स, ये दोबारा से इंटेल का इस पर लोगो आ गया है। अब ये सिस्टम बूट की जानब जा रहा है। इस इंटेल के मदरबोर्ड
डेल और एच पी के मदरबोर्ड की नस्बत थोड़े से स्लो प्रोसेस में, थोड़ा सा स्लो इनकी प्रोग्रेस होती है। तो फ्रेंड्स ये बूट की जानिब जा रहा है हमारा सिस्टम, आप देख रहे हैं। ये बताता चलो आपको कोर i3 फर्स्ट जनरेशन का पीसी है। तो फ्रेंड्स ये बूट की जानिब जा रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये नहीं, हमारी USB फ्लैश ड्राइव से बूट हो गया है। बहुत सारे फ्रेंड्स इसी सेटिंग को बार बार परेशान होते हैं कि हमारी USB बूट नहीं कर रही, हमारी USB बूट नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स इंटेल के PC में आपकी USB बूट करने का सबसे बेहतरीन तरीका 3 से 4 सेटिंग जो मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स वही है। आपको मैं विंडोज 7 भी इंस्टॉल करने का तरीका साथ साथ बता रहा हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ वो वीडियो को फॉलो करें, एक भी स्टेप अगर आप स्किप करेंगे तो आप अपनी विंडोज इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपने एंटर प्रेस करना है, इधर फिर एंटर प्रेस करना है फ्रेंड्स। विंडोज एक्टिवेटेड, सेटअप इज स्टार्टिंग। ये हमसे पूछ रहा है आपने कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। तो फ्रेंड्स मैं अल्टीमेट 64-bit x86 पर ला के एंटर किया, आई एग्री पर आपने चेक बॉक्स पर आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमाइज कस्टम पे जाना है। उसके बाद ये देखें फ्रेंड्स 2 TB हार्ड ड्राइव मेरी शो होगी। तो सबसे पहले मैं ड्राइव के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, इसको मैं डेल कर दूँगा। अभी मेरे पास आना लोकेटेड में सारी हार्ड ड्राइव 2 TB पड़ी है। तो इसको न्यू में मैं जाकर सबसे पहले मैं सी 100 GB मुझे चाहिए, तो मैं 1 लाख टाइप करूँगा तो मेरी 100 GB बन जाएगी पार्टीशन। जैसा कि आप देख सकते हैं 97 GB 97.6 GB बनी है। कुछ GB सिस्टम अपने शेयर कर लेता है। तो फ्रेंड्स न्यू पर जाऊँगा, अब मैं इसकी 2 पार्टीशन बना लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक सी मैंने बनाई है, उसके अलावा 2 एक डी और 1 ई बन गई। तो फ्रेंड्स पहली जो भी आपकी बनती है ये सिस्टम रिजर्व करता है 100 MB, आपने इसको इग्नोर कर देना है। उससे वेरी नेक्स्ट जो पार्टीशन होती है वो सी होती है। आपने इधर ला के एंटर प्रेस कर देना है फ्रेंड्स, तो हमारी विंडोज 7 all-in-1 PC में स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। अब आपको इंटेल के मदरबोर्ड किसी भी मदरबोर्ड में USB से बूट कराने का इशू नहीं आएगा, और साथ ही साथ आप इसको विंडो 7 इंस्टॉल करना आप इजीली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये 1 से 100 तक सेटअप चलेगा। इस तरह अगर वीडियो बनती रही तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, जैसे 100% आएगा नेक्स्ट स्टेप मैं आपको फॉलो करवाऊँगा। थैंक यू जी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिस्टम रीबूट हो रहा है, 100% हो गया था, उसके बाद सिस्टम रीबूट हो रहा है। मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन आ चुका है। सबसे पहले विंडो कॉपिंग विंडोज़ एक्टिवेटेड फाइल, उसके बाद एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल, उसके बाद इसके इंस्टॉलिंग फीचर्स,
इंस्टॉलिंग्स अपडेट अब कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन पर आ गया। दोस्तों हमारी विंडोज़ जो है फाइनल राउंड पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा है हमारे पीसी का नाम देना है, हम तो इसमें रैंडम कोई भी नाम देते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको नेक्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। आप अगर इसमें यूज़र नेम पासवर्ड देना चाहते हैं तो आप दे दें, वरना आप स्किप कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स ये विंडो अपडेट का पूछ रहा है, आपने यहाँ पर तीसरी ऑप्शन आस्क मी लेटर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये टाइम जोन का पूछ रहा है, आपने अपने कंट्री के हिसाब से, कोई जो आपकी कंट्री है आपने उस हिसाब से अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं इस टाइम पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मैं अपनी कंट्री का इस्लामाबाद कराची का मैं ऑप्शन सेलेक्ट करके तो फ्रेंड्स इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। हम विंडो 7 हमारा नियर टू कम्प्लीट है फ्रेंड्स, हमारा ये लास्ट सेटअप है, इसके बाद सिस्टम रीबूट होगा और हमारा विंडो 7 रेडी होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिस्टम रीबूट हुआ है। फाइनली फ्रेंड्स हमारी विंडोज 7 इंस्टॉल हो चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। विंडोज 7 इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप पर्सनलाइज में जाएंगे, उसके बाद आप इसका डेस्कटॉप सेट करेंगे, उसके बाद आप इसके आइकॉन चूज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी विंडोज 7 रेडी है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू, गुड बाय।